नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। और जो आप वीडियो में सामने देख रहे हैं आर्टो नेक्स्ट, ये है पूरी तरह से 100% इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। जो पुणे का जो एग्री एग्जीबिशन हुआ था साथियों, तो कृषि मेला, उसमें ये आया था। मेले की खास बात बताऊँ तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पावर, जो जितने भी कुछ औजार है खेती के और जो स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्टार्टर वगैरह है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर जोर दिया गया था। तो ये जो ट्रैक्टर है ये 45 HP का है, बहुत ही खास था। ये हमारे मुंबई का ही एक प्रोटोटाइप था, फाइनल प्रोडक्ट इनका रेडी है। एक्चुअली ये जो है 45 HP का ट्रैक्टर है, और इसमें जो आपको लिथियम फॉस्फेट बैटरी मिलती है, लिथियम फॉस्फेट जो बैटरी रहती है साथियों, ये लिथियम आयन बैटरी से थोड़ी सी बेहतर रहती है। हालांकि इसका आकार बड़ा रहता है, लेकिन इसकी लाइफ ज़्यादा रहती है, और ये मतलब उतनी ज़्यादा भी हीटअप नहीं होती। तो इसमें जो है 38 kW की बैटरी थी, बहुत ही बढ़िया है। सिंगल चार्ज में समझो एक बार अगर चार्ज किए तो ये 4 से 5 एकड़ की जुताई, जो कुछ भी काम रहेगा वो आसानी से कर सकता था। इस तरह से कुछ इसका चार्जर मिल जाता है आपको, और ये स्लो चार्जिंग और फास्ट चार्जिंग दोनों पे सपोर्ट करता है। किसानों के लिए बहुत ही बेहतरीन ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था। इसमें जो बैटरी है उसकी आपको 5 साल की वारंटी मिल जाएगी साथियों, और बाद में जो बैटरी की कॉस्ट आपको पड़ेगी 2.5 से 3 लाख तक पड़ जाएगी। वैसे बैटरी की लाइफ अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी ने कहा था कि 8 साल तक ये बैटरी आराम से चल जाएगी। जो बैटरी की कॉस्ट है 2.5 से 3 लाख रुपये, वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, मतलब आपको ओल्ड देखिए जो नई बैटरी लेंगे तो उस पर आपको 2.5 से 3 लाख रुपये देने पड़ेंगे। और इस ट्रैक्टर की अगर प्राइस की बात करें तो 14.5 लाख इस पर प्राइस है, और आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी कुछ मिल जाएगी। तो सब्सिडी के बाद ये ट्रैक्टर आपको तकरीबन 10 लाख रुपये तक का मिल जाएगा। कंपनी की अगर बात करें साथियों, तो ये जो 45 HP का ट्रैक्टर है, ये तकरीबन 50-55 HP के जो हमारे ट्रैक्टर रहते डीजल वाले, तो उनके बराबरी का काम करेगा। और इन्होंने इस पर 8 फीट का रोटावेटर रहता है, तो वो भी टेस्ट करके देखा था, तो आसानी से काम कर ले सकता है। और काम की अगर बात करें तो सभी प्रकार के जो हमारा डीजल ट्रैक्टर जो काम करता है, जो जितने भी प्रकार के, तो सभी प्रकार के काम इससे हम आसानी से कर सकते हैं। इसको ट्रॉली लगा के 20 टन तक का जो वज़न रहता है वो ढोने का कंपनी का जो टेस्टिंग था वो पूरा किया था कंपनी ने। लेकिन आप इसमें अगर 10 टन तक का वज़न अगर डालेंगे तो 75 किलोमीटर तक कंपनी के मुताबिक ये आराम से खींच के ले जा सकता है। 75 किलोमीटर की रेंज मतलब बढ़िया रेंज। हाइड्रोलिक से जो लिफ्टिंग कैपेसिटी 1800 kg तक का लिफ्टिंग कर सकता है, और इसके खेत जुताई की जो स्पीड की बात करें तो 1 घंटे में तकरीबन 1 से 1.25 एकड़ तक ये आसानी से जुताई कर देगा। इसे एक बार फुल चार्ज करने में एक बार में ही 4 से 5 एकड़ की जुताई जो है आराम से कर सकता है। साथियों, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर होने की वजह से बहुत सारे फायदे हैं। इसमें जो है आवाज़ जीरो है, और इसका वाइब्रेशन भी कुछ नहीं रहता, तो जिसकी वजह से जो आपका मेंटेनेंस है उसमें बहुत बड़ी बचत हो जाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि मेंटेनेंस बहुत ही कम आ जाता है। तो एक बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रिक का फ़ायदा रहता है। इलेक्ट्रिक होने के साथ साथ ये एक स्मार्ट ट्रैक्टर भी, क्योंकि कंपनी के थ्रू एक आपको डेडिकेटेड एप्लीकेशन मिल जाता है जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन रहता है, तो उसके थ्रू आप इस ट्रैक्टर को प्रॉपर तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। मतलब इसमें कितनी चार्जिंग बची है, ड्राइवर कहाँ पे लेके जा रहा है, कितना एकड़ की जुताई इसने की है, तो इस तरह से जो ओनर है वो ओनर पूरी तरह से इस ट्रैक्टर को आसानी से ट्रैक कर सकता है, जिसके जो कि बहुत ही आसान हो जाता है। इस पूरे एग्री शो की अगर बात करें तो साथियों, यहाँ पे स्मार्ट और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी है उस पर ज़्यादा जोर दिया गया था, तो ये बहुत ही बड़ी खास बात लगी, क्योंकि खेती में भी दिन ब दिन बहुत सारे इन्वेंशन होते जा रहे हैं। इसमें आवाज़, हीटिंग और वाइब्रेशन ना होने की वजह से जो आपका मेंटेनेंस है उसमें बहुत बड़ी बचत हो जाती है। ये तो इलेक्ट्रिक जो कुछ भी व्हीकल रहते कोई भी, तो उसकी बहुत बड़ी खासियत रहती है साथियों, जो हम पेट्रोल और डीजल में जो ज़्यादा एक्स्ट्रा हमारा फ्यूल में जो खर्चा हो जाता है इसमें वो रिकवर हो जाता है। हालाँकि इलेक्ट्रिक की बात करें तो ज़्यादा हमें फ़ायदेमंद इलेक्ट्रिक ही रहता है। इस तरह के नए नए आविष्कारों की खेती में बहुत ज़रूरत साथी, लेकिन इस तरह के जो आविष्कार रहते हैं वो किफ़ायती दामों में अगर मिल जाए तो किसान के लिए भी राहत की बात हो सकती है। फिर भी बहुत सारी इस तरह की नई नई टेक्नोलॉजी हमें एग्री एक्सपो में देखने को मिली, जो कि अच्छी बात है साथियों। ये कुछ इस तरह से एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का वीडियो था। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो साथियों आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे भी किसान साथियों तक इसे शेयर करना मत भूलिए। और इस तरह के कंटेंट जो है हमारे चैनल पर हमेशा आते रहते हैं, तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए अपडेट्स जल्दी आप तक पहुंचने लगे। थैंक यू दोस्तों।